दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आंसी का हैप्पी गार्डन में। आज कुछ ऐसे जुगाड़ बताऊंगी जिससे आप अपने सभी हैंगिंग बास्केट को हैंग कर सकते हैं बिल्कुल सस्ते जुगाड़ से। अगर आपके पास जगह की कमी है और आप अपने हैंगिंग पॉट को टांगने या फिर हैंग करने के बारे में सोच रहे हैं, वो सारी आइडियाज़ मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी भी कि मैंने अपने सभी पॉट को किस तरह से हैंग किया है। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक छड़ और इस छड़ का यूज़ करूँगी अपने गार्डन में अपने सभी हैंगिंग पॉट को हैंग करने के लिए। अगर आपके पास इस तरह का छड़ है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं अपने गार्डन में अपने सभी हैंगिंग पॉट को हैंग करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, मेरे कुछ हैंगिंग पॉट लगे हुए हैं और मैं इन सभी को तार के ऊपर, यानी मैंने छड़ के ऊपर ही इसे हैंग किया हुआ है। और यहाँ पर मैं अपने कुछ DIY वाले मेरे जो हैंगिंग पॉट हैं उसे भी मैंने हैंग किया हुआ है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने कहा था कि कम जगह में आप ढेर सारे पॉट को कैसे रखें। तो वहाँ पर मैंने दो छड़ लगाया था और उसके ऊपर मैंने पटरे को रखा था और पटरे के ऊपर मैंने अपने सभी पॉट को रखा था। तो उसी के नीचे वाले जगह पे मैं ये काम की हुई हूँ। यहाँ पर मैंने छड़ के ऊपर दोनों साइड पे मैंने छड़ को रख लिया है, छड़ के टुकड़े को, और उसके बाद मैं यहाँ पर रस्सी से अच्छे तरीके से टाइट करके मैंने इसे बांध लिया है। और बांधने के बाद मैं अपने सभी हैंगिंग बास्केट को यहाँ पर हैंग कर दी हूँ। और यहाँ पर कुछ मैंने अपने DIY वाले पॉट, यानी मैंने जो हैंगिंग पॉट बनाया है उसे भी मैंने हैंग किया है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आपके पास दो और ऑप्शन है फ्रेंड्स। आप चाहे तो वॉल के ऊपर में भी दो कील को लगा दें और उसमें आप छड़ को अच्छी तरीके से बांध लीजिए और उसके बाद अपने सभी हैंगिंग पॉट को हैंग कर दीजिए। यहाँ पर मेरे पास एक गेट है और मैं गेट के ऊपर भी अपने हैंगिंग पॉट को हैंग की हुई हूँ। और दूसरा है फ्रेंड्स कि अगर आपके पास दीवार है पास पास में तो उसके ऊपर भी आप छड़ को रख लीजिए और कील लगाकर उसे अच्छी तरीके से बांध दीजिए और उसके बाद अपने सभी पॉट को हैंग कर दीजिए। मेरे पास नज़दीक में कोई दीवार नहीं था तो मैं उसे आपको करके नहीं बता रही हूँ। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मेरे सारे DIY वाले हैंगिंग पॉट है, मैंने इसे भी हैंग किया हुआ है। तो मैंने इसे किस तरह से हैंग किया है ये मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर आप देखिए, ये है PVC पाइप और PVC पाइप को मैंने अपने सभी हैंगिंग पॉट को हैंग किया हुआ है और उसमें मैंने यूज़ किया है ये है तार, और मैंने इसी तार का यूज़ करके अपने सभी पॉट को हैंग की हुई हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये मेरा है DIY वाला पॉट और उसके ऊपर वाले साइड पर मैंने दो होल किया है। होल करने के बाद फ्रेंड्स, जैसे बकेट में हैंडल होता है उस तरह से मैंने इस तार को हैंडल की तरह बना लिया है। और इसके बाद जहां मैंने होल किया है उसके ऊपर हम इस तार को डाल देंगे। इसके बाद मैंने तार को हुक की तरह बनाया है, जैसे S होता है उस तरह से हमें तार को मोड़कर बना लेना है हुक। और इसके बाद मैंने इसे PVC पाइप के ऊपर हैंग कर दिया है। आप चाहे तो इसे दरवाजे पे या फिर आप विंडो के ऊपर भी इसे हैंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसका दो बढ़िया सा यूज़ किया है, मेरा PVC पाइप में भी प्लांट लगा हुआ है और दूसरा मैं इसके ऊपर हैंगिंग पॉट भी हैंग की हुई हूँ। यहाँ पर मेरा ये दरवाज़ा है, ये मेरा मेन दरवाज़ा है और दरवाजे के ऊपर भी मैं अपने पॉट को हैंग की हुई हूँ। यहाँ पर मैंने एक तार को गर्म किया है और उसके बाद मैंने होल बना लिया और फिर मैंने तार का हुक बनाया है। हुक बनाकर मैं अपने पॉट को यहाँ पर हैंग की हुई हूँ। इसके ऊपर वाले साइड पे भी मैं अपने पॉट को हैंग की हुई हूँ। तो इस तरीके से आप भी अपने दरवाजे पर अपने सभी पॉट को हैंग कर सकते हैं। और इसके बाद जो मैंने दूसरा तरीका यूज़ किया है, ये देखिए, यह है मेरा एक छोटा सा विंडो है और विंडो के ऊपर भी मैं अपने हैंगिंग पॉट को हैंग की हुई हूँ। यहाँ पर मैंने बॉटल में दोनों साइड पे होल करके मैंने इस पे रस्सी बांध लिया है
और इसके बाद हुक लगाकर मैं विंडो के ऊपर ही जाली जो लगा हुआ है उस जाली में मैंने इन सभी को हैंग किया हुआ है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यह है वॉल। वॉल के ऊपर मैंने कील लगाकर अपने DIY वाले पॉट को हैंग किया हुआ है। आप चाहे तो कील लगाकर इसके ऊपर अपने हैंगिंग पॉट को भी हैंग कर सकते हो। और यहाँ जो मैं दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, ये मेरा आंगन है। आंगन में दो जो दीवार है फ्रेंड्स, दीवार के ऊपर मैंने यहाँ पर बांस को रखकर मैं उनमें अपने हैंगिंग पॉट को हैंग की हुई हूँ। अगर आप चाहे तो इसके ऊपर रॉड भी रख सकते हैं। तो मेरे पास ये बांस था तो मैंने बांस का ही यूज़ किया है और उस बांस को मैं दीवार के ऊपर रखी, उनमें जो है मैं अपने हैंगिंग पॉट को हैंग की हूँ। पहले मैंने बांस को रखा, फिर उस पर मैंने तार को अच्छी तरीके से लपेट लिया है और उसमें मैं हुक बनाकर अपने सभी हैंगिंग पॉट को हैंग कर दूँ। तो ये सारा आपको आइडिया कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइएगा। तो इस तरीके से आप भी अपने वॉल के ऊपर रखकर इन सभी पॉट को हैंग करिए। और यहाँ पे कुछ और तरीका मैंने यूज़ किया है। ये सारे मेरे DIY वाले पॉट है और मैंने इन्हें एक ही झुंड बनाकर मैंने इसे हैंग किया है। यह है एक छोटा सा छड़ है और छड़ के दोनों साइड पे मैंने रस्सी को बांध लिया है अच्छे तरीके से। और इसके बाद वॉल के ऊपर मैंने एक कील लगाया, कील में मैंने इस तरह से हैंग कर लिया है। और यहाँ पे देखिए मेरे बहुत सारे जो DIY प्लांटर हैं मैंने छड़ के साइड के अंदर डाल दिया है इन सभी पॉट को, हैंगिंग पॉट को, और इसे मैंने हैंग कर लिया है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये है तार लगा हुआ। इसके ऊपर हम लोग हैं जो है वो कपड़े को पसारते थे सूखने के लिए। तो जहाँ ये तार लगा है वहाँ पर बहुत ही कम धूप आता है, धूप नहीं आता है। तो मैंने इस तार का यूज़ कर लिया है अपने सभी हैंगिंग पॉट को हैंग करने के लिए। तो इस तरह से भी आप तार को बांधकर उनमें आप हैंगिंग पॉट को हैंग कर सकते हो। तो ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स आप हमें बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरह से आप भी अपने सभी हैंगिंग पॉट को हैंग करिए। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।